वाटर रिटेन होगा और हाई प्रोडक्टिविटी डेवलप हो जाएगा। मगर कोई ना कोई और एलिमेंट भी होता है जिसकी वजह से इससे भी कम मिकदार में हाई प्रोडक्टिविटी डेवलप हो जाता है। फ्री वाटर की सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी हाइपोडिट्रीमिया हुआ है, व्हाट इज बी हाइपोडिट्रीमिया की डेफिनेशन क्या है? वाटर कंटेंट इन हाइपोडिट्रीमिया की डेफिनेशन क्या है? एक्सेस ऑफ वाटर, रिलेटिव एक्सेस ऑफ वाटर, ठीक है। और ये हाइपोडिट्रीमिया कब कैसे होगा? सर फ्री वाटर एक्सप्रेशन करा, फ्री वाटर की ठीक है। और फ्री वाटर की फॉर्मेशन कैसे होती है? पहले नंबर पे ये इन्फिल्ट्रेशन के बाद ये डिलीवरी हुई प्रोड्यूसर ट्यूब्यूल, यहाँ से प्रांसवल ट्यूब्यूल और डीप डॉर्शन के बाद बाकी जो बचा है सैंडन वाटर उसके डिलीवरी ये डिस्ट्रिक्ट ट्यूब्यूल में होगी। और थिक सेंट्रिक लूप ऑफ हेल्ले में क्या होता है? सेपरेशन जो यहाँ पे साल्ट एंड वाटर पहुंचा, डिलीवर हुआ और यहाँ पे सेपरेशन हो गई, ये सेगमेंट इज वाटर इनपरमिएबल, तो साल्ट इज रीअब्सॉर्ब विदाउट वाटर, ठीक है। इस तरीके से वाटर की और साल्ट की सेपरेशन हो गई और फ्री वाटर की फॉर्मेशन हो गई। फ्री वाटर की फॉर्मेशन टेक प्लेस इन दिस प्लेस सेंट्रल लूप ऑफ हेल्ले पे वेयर salt is reabsorbed without water. अब ये जो वाटर है जब यहाँ पे पहुंचेगा collecting tank पे तो इसकी सिचुएशन जो है दैट इज कंट्रोल्ड बाय द ADS। अगर तो ADS प्रेजेंट होगा तो फ्री वाटर सिचुएशन कम हो जाएगी, अगर ADS इमिटेड होगा तो वो फ्री वाटर जो फॉर्मेशन हुई है उसकी सिचुएशन बढ़ जाएगी। अगर ADS नहीं है तो फ्री वाटर की सिचुएशन बढ़ जाएगी। अब कोई भी एलिमेंट कहीं भी अगर फ्री वाटर की सिचुएशन में इंटरफियर करता है तो हाइपोडिट्रीमिया डेवलप हो सकता है, वाटर की एक्सेस हो सकती है। नंबर वन, अगर फिल्टर ही नहीं हो रहा, रीनल फेलियर है और पेशेंट जो है पर्सन ज्यादा फूड इनटेक है उसकी, ठीक है, तो फ्री वाटर की एक्सेस हो जाएगी। या फिल्ट्रेशन के बाद डिलीवरी नहीं हो रही आगे क्योंकि प्रांजल ट्यूब्रो डी इब्जॉर्प्शन ज्यादा हो गई, तो प्रांजल ट्यूब्रो डी इब्जॉर्प्शन ज्यादा हो गई तो आगे डिलीवरी कम हो जाएगी, जब डिलीवरी कम होगी तो फ्री वाटर फॉर्मेशन भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट पे अगर यहाँ पे सेपरेशन नहीं हो रही, पेशेंट इज ऑन डायरेटिक लूप डायरेटिक पे है तो साल्ट की रीअब्सॉर्प्शन नहीं हो रही इसलिए फ्री वाटर की फॉर्मेशन नहीं हो रही। या अब यहाँ आ गए तो ADH की सिक्रीशन हो रही है अप्रोप्रिएटली और इनअप्रोप्रिएटली, तो वाटर की रीअब्सॉर्प्शन हो गई जिसकी वजह से फ्री वाटर की सिक्रीशन कम हो गई। ये डायग्राम आपको जब भी कभी कोई केस आपको ट्रीबिया का हो, इफ यू आर डीलिंग विद द केस ऑफ हाइपोडिट्रीमिया, तो ये डायग्राम आपके ज़हन पे पिक होनी चाहिए तो उसकी डायग्नोसिस बनाने के लिए कास का कि मैकेनिज्म पे हाइपोडिट्रीमिया है तो किस वजह से हो सकता है, किसकी फिल्ट्रेशन नहीं हो रही या प्रांजल ट्यूब्रो डी एब्जॉर्प्शन बढ़ रही है या सेपरेशन नहीं हो रही या ADH प्रेजेंट। अब अगर ADH प्रेजेंट है और वाटर की रीअब्सॉर्प्शन ज्यादा हो गई तो वो फिर नेगेटिव फ्री वाटर सिचुएशन होगी या नेगेटिव फ्री वाटर क्लीयरेंस होगी अगर रीअब्सॉर्प्शन ज्यादा हो गई है। अब यहाँ पे आ जाइए ADH की बात की थी, ADH कंट्रोल करती है तो ADH की एक्शन क्या है? ADH जो है जो ADH रिसेप्टर को जाहिर करेगी जिससे ये प्रोटीन की सिक्रीशन होगी
और ये जी प्रोटीन आगे जाके एटीपी एटीपी और साइक्लिक रिलीज हो जाएगी। साइक्लिक एएमपी जो है एक्टिवेट करती है प्रोटीन काइनेसिस को, और ये प्रोटीन काइनेसिस जो है ये एक्वाफेरिन 2 जो के सेल के अंदर होती है उनको मोबिलाइज करके ये जुबिनल साइट पे उनकी ट्रांसपोर्ट ट्रांसलेट कर देती है। तो इस तरीके से एक्वाफेरिन 2 यहाँ पे ल्यूमिनल साइट पे आ जाती है, इसी वजह से वाटर की मूवमेंट हो जाती है। तो ये एक्वाफेरिन 2 जो डार्क भी लोकेटेड इनसाइड द सेल दे गेट ट्रांसपोर्टेड टू ट्रांसलोकेटेड टू ल्यूमिनल साइट यहाँ पे। अगर ये यहाँ पे नहीं है तो वाटर की इंटरेक्शन नहीं होगी। अब एडीएच का एक्शन सिर्फ इतना ही है कि ये एक्वाफेरिन को यहां से यहां लोकेट कर दे और इसके बाद खत्म हो गया मसला। अब ये जो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ वाटर ग्रेडिएंट कि ये ल्यूमन पे और ये जो मेडुलरी इंटरस्टीशियल है उसमें कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट क्या है। कलेक्टिंग डक्ट जहाँ पे गुजरती है वहाँ पे मेडल्ला पे इंटरसीजन पे यूजली ऑस्मोलैरिटी जो है उसकी 1400 तक पहुँच जाती है, ठीक है। टिप में खासकर मेडल्ली टिप में जो मेडल्ली कंसंट्रेशन है वो 1400 मिली ऑस्मोल तक हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से ल्यूमन की नस्बत यहाँ पे जब कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो वाटर इस तरफ से मूव कर जाएगा, जबकि ये जो एक्वाफेरिन चैनल्स दे आर लोकेटेड हियर, ठीक है। तो ये एजीएच का एक्शन जो है जस्ट टू मूव द एक्वाफेरिन टू द ल्यूमिनल सरफेस, इसके ज्यादा नहीं है। बाकी वाटर की मूवमेंट हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ग्रेडिएंट। अब आप बताएं कैन वाटर बी रीअब्सॉर्ब इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेडिएंट, मेरे सवाल का जवाब है सर अगर वैसी से मिले उसकी एक्वाफेरिन चैनल्स अगर मौजूद है इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेडिएंट तो भी से वाटर अब्सॉर्ब हो सकता है, वो तो एक्टिवेट उसको के कम बेटा वो उधर एडीएन जाने लगे सर। वो अभी जो है म्यूटेशन अगर उसकी हो गई है किसी और वजह से भी अगर एक्वाफेरिन टू आ गया तो वाटर अब्सॉर्ब होता रहेगा, दैट्स फॉर जेनेटिक सिंड्रोम ऑफ एडीएन। हां मतलब वो इस कंडीशन में हो सकती है कि जब वो एक्टिवेट कर एडीएन के कंट्रोल से दो कंडीशंस मुझे बताइए जिससे वाटर कैन बी रीअब्सॉर्ब विदाउट एडीएन, दैट्स फॉर जेनेटिक सिंड्रोम ऑफ एडीएन इनअप्रोप्रिएट। एक तो यही जो केस था एक्टिवेशन म्यूटेशन ऑफ द आरजीडी मेसोप्रेसर रिसेप्टर जो है ये एक्टिवेट हो जाता है, इसकी म्यूटेशन हुई है और ये एक्टिवेटेड होता है विदाउट एडीएन। इसकी एक्टिवेशन की वजह से ये जो एक्वाफेरिन आर लोकेटेड इन द ल्यूमिनल सरफेस बगैर एडीएच के, जैसे जो अभी केस था प्री एक्टिवेशन म्यूटेशन ऑफ द आरजीडी मेसोप्रेसर रिसेप्टर था कि ये जो रिसेप्टर है इट इज एक्टिवेटेड विदाउट एडीएच। ऐसी सिचुएशन में एडीएच नहीं होगी मगर ये चूंकि एक्टिवेट हो गया हुआ है तो ये एक्वाफेरिन जो है दे विल बी लोकेटेड इन द ल्यूमिनल साइट, ठीक है। एक तो ये कंडीशन हो गई, दिस इज कॉल्ड एज नेफ्रोजेनिक सिंड्रोम ऑफ inappropriate antidiuresis, ठीक है। NSAID nephrogenic syndrome of inappropriate antidiuresis, ठीक है। तो इस सूरत में diuresis नहीं होगी antidiuresis होगी, वाटर की reabsorption हो जाएगी और diuresis नहीं होगी और इसका कॉज इज लोकेटेड इन द किडनी, इसलिए ये nephrogenic syndrome of SIAD। दूसरी कंडीशन जो है वो दो कंडीशन आ जाती है, टी एंड टोस्टाइट और डार्क बियर पोर्टमैनिया,
या पीएम पोटोमैरियर में। इसमें क्या हो जाता है कि पेशेंट की इनटेक है मोस्टली कंसिस्टिंग ऑफ वाटर विदाउट सॉल्यूट, टी एंड टोस्ट। टोस्ट क्या होता है, टोस्ट में क्या है आपको आगे के मेटाबोलाइज हो जाएगा, तो टी में मेनली वाटर ही होता है, तो प्रैक्टिकली फ्री वाटर इनटेक हो जाती है। इसी तरह बियर पोटोमेनिया में बियर पोटोमेनिया ही है, बाकी अल्कोहल जो है वो मेटाबोलाइज हो जाएगी, तो इस जगह पे वाटर ही पहुंचेगा। अभी आपसे बात हुई है कि अगर ये कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट हो जाएगा, मिडल की इंटरस्टिशियल की ऑस्मोलैरिटी जो है वो ज्यादा होगी, तो फिर ये वाटर जो है इवन विदाउट एक्वापोरेट रूल जो है डीएब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये ग्रेडिएंट ज्यादा होगा, ये एरिया जो है मिडल का इंटरस्टिशियल बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा, और ये वाटर यहाँ पे जो बिल में जो फिल्टर है उसकी ऑस्मोलैरिटी दिखाई लो होगी, बिल्कुल डाइल्यूट होगा, क्योंकि फ्री वाटर ही प्रैक्टिकली वहां पहुंच रहा है, तो इस वजह से ये वाटर एब्जॉर्ब हो जाए। दिस इज एडीएच की दो कंडीशन ऐसी जिसके बगैर एडीएच के वाटर की ट्रांजिट बढ़ जाएगी। अब आपके पास दो कंडीशन ऐसी है, दो कंडीशन ऐसी है जिसमें बावजूद के एडीएच प्रेजेंट है डायूरेसिस नहीं होगी, एडीएच की प्रेजेंस के बावजूद डायूरेसिस हो रही है। सर नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस दो के बीच में बता रही है, लो सॉल्ट इनटेक में भी होता है, इसमें क्या है उसी के काउंटर पार्ट जो है एक्टिवेशन के बजाय इनएक्टिवेशन ऑफ द ये जो एडीएच रिसेप्टर म्यूटेशन होगी जिसमें वो इनएक्टिवेट रहता है, इनएक्टिवेशन की वजह से एडीएच जो है इफेक्ट नहीं करती, एडीएच भी वेरी हाई, मगर चूंकि ये रिसेप्टर जो है इसकी म्यूटेशन हुई है और इनएक्टिवेट रहता है, इसलिए ये एक्वापोरिस जहाँ पे ट्रांसपोर्ट की होगी और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, ठीक है, इनएक्टिवेशन इनएक्टिवेटिंग म्यूटेशन ऑफ द V2 रिसेप्टर, यहाँ पे ये रिसेप्टर जो था वहाँ एक्टिवेट हुआ था, एक्टिवेशन म्यूटेशन थी, यहाँ पे इनएक्टिवेटिंग म्यूटेशन है इसकी, जिसकी वजह से रेजिस्टेंट हो जाती है टू द इफेक्ट ऑफ एडीएच, क्योंकि किडनी के अंदर प्रॉब्लम है अगेन, तो ये भी नेफ्रोजेनिक डायबिटीज हो सकती है। और दूसरी वजह आपको ये बताई थी कि अगर एडीएच प्रेजेंट भी है यहाँ पे और ये एक्वापोरेंस यहाँ पे मूव कर गई हुई है, मगर यूरिन में यहाँ पे जो फिल्ट्रेट पहुंचा है उसकी ऑस्मोलैरिटी बहुत ज्यादा है, सॉल्यूट उसमें बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ ऑस्मोलैरिटी हाई है, मेडल्ला से ज्यादा हाई है, तो वाटर की मूवमेंट इधर से इधर नहीं होगी, ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया है कि एडीएच का काम सिर्फ यही है कि एक्वापोरेंस टू को मूव कर देना है रिक्यूबल साइड पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक्वापोरेंस टू मौजूद भी है रिक्यूबल साइड पे, मगर वाटर की मूवमेंट इधर को नहीं होगी, क्योंकि ये ल्यूमन में जो यूरिन है उसमें ऑस्मोलैरिटी जो है इससे मिडल्ला से ज्यादा है, ठीक है। तो ये दो कंडीशन ऐसी हैं जिसमें एडीएच के बगैर वाटर डायूरेसिस होगी इवन इन द प्रेजेंस ऑफ एडीएच, और पहले दो कंडीशन आपको बताई है जिसमें वाटर डायूरेसिस नहीं होगी इवन इन द एब्सेंस ऑफ एडीएच, ये चार कंडीशन आपको याद रखनी है।
तो बड़ा ये वाला क्वेश्चन ये था, इसमें एक्टिवेटिंग म्यूटेशन थी। ये तो वही हो गई। नेक्स्ट, यू आर केयरिंग You are caring for a patient who has been on lithium for years for bipolar disorder and now he complains of polydipsia and polyuria. He has a normal glucose level. You ordered an 8-hour water deprivation test followed by an IV dose of DDAVP. The following labs is then obtained. Serum osmolarity is 271 milliosmol per kg. Baseline urine osmolarity is 208. After fluid deprivation test, 514 milliosmol per kg and after DDAVP 509 milliosmol per kg. These results are consistent with which one of the following? Psychogenic polydipsia, central diabetes insipidus, nephrogenic diabetes insipidus and SIADS. ये इससे इसके से ऐसा एफ्टर डिप्रेशन टेस्ट से ऑसमोलैरिटी बढ़ रही है। सर साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया, साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया एसआईडीएच क्यों थी सर? क्योंकि ऑसमोलैरिटी सर पहले लो साइड के ऊपर थी, यूरिन ऑसमोलैरिटी से और सीरम एडिशन यूरिन ऑसमोलैरिटी सर लो साइड पे हाई होनी चाहिए थी यूरिन ऑसमोलैरिटी सर एसआईडीएच में इशू। Nephrogenic diabetes fetus. Sir, water deprivation से sir osmolarity बढ़ रही है patient की, urine osmolarity जो है वो बढ़ रही है sir. Nephrogenic diabetes fetus में water deprivation के बाद osmolarity ज़्यादा नहीं होगी. Nephrogenic problem है, तो ये जो osmolarity 208 से 514 हो गई है वाटर सेक्शन के बाद ये नहीं होगी। सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होगा? उसमें जो वाटर डेप्रिवेशन से ये जो ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज की है वो इंक्रीज नहीं करेगी क्योंकि सेंट्रल प्रॉब्लम है, एडीएचडी की होगी तो ये ऑस्मोलैरिटी वाटर डिप्रेशन के बाद यहाँ नहीं करेगी। मगर आफ्टर डीडीएवीपी जब आप एक्सोजन डीडीएवीपी दोगे तो यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज कर देंगे सेंट्रल डायबिटीज में, ठीक है। साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया में जब आपने वाटर डिप्रेशन की उसकी तो मैक्सिमम ये ऑस्मोलैरिटी डेज कर जाएगी और उसके बाद ये डीडीएवीपी देने के बाद इंजेक्शन के बाद भी फर्दर इंक्रीज नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ऑलमोस्ट मैक्सिमम कंसंट्रेट हो चुकी है। तो साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया आपका जो आपको था क्या होता है साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया में एक्सेसिव वाटर इनटेक है और उसकी वजह से ADH की डिविशन हुई हुई है और एक्सक्रीशन ऑफ वाटर होगी। डाइल्यूट यूरिन जो है डाइल्यूट यूरिन पास होगा, इसकी यूरिन ऑस्मोलैरिटी 100 के लगभग होगी, यूजली 100 से कम होगी। वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट, ठीक है, तीन चीजें होंगी। आपकी बेसलाइन ऑस्मोलैरिटी 250 है, आफ्टर वाटर डेप्रिवेशन जो है बढ़ गई, अगर आफ्टर डीडीएवी पे मजीद नहीं बढ़ी तो दैट इज साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया, ठीक है। अगर ये बेसलाइन थी और वाटर डेप्रिवेशन के बाद ऑस्मोलैरिटी नहीं बढ़ी अगर डीडीएवीपी के बाद बढ़ गई है तो दैट इज सेंट्रल डीआई, ठीक है। और अगर
वाटर रिस्ट्रिक्शन के बाद बढ़ी और उसके बाद डी डी ए भी उसके बाद भी नहीं बढ़ी ये वाटर डेप्रिवेशन की इंटरप्रिटेशन आपकी यहाँ से होगी। Repeat serum sodium was 126 millimoles per liter. Intake was 3920 ml and output was 4430 ml. Other lab reports BUN 34 milligram per deciliter, creatinine 1.8 milligram per deciliter, and potassium 3.2 and serum osmolarity of 260 osmol per kg water. Urine sodium is 108 milliequivalent per liter and osmolarity is 370 milliosmoles per kg of water. The most likely cause of hyponatremia is. Urine osmolarity 370. Serum osmolarity 260. सेरेब्रल साल्ट वेस्टिंग सेरेब्रल साल्ट वेस्टिंग वाटर इंटॉक्सिकेशन क्यों नहीं वाटर इंटॉक्सिकेशन क्यों नहीं है इसलिए कि यूरिन ऑस्मोलैरिटी 370 ठीक है तो हाई यूरिन ऑस्मोलैरिटी है तो इसलिए वाटर इंटॉक्सिकेशन नहीं है। SIADH SIADH की डेफिनेशन क्या होती है हाइपोनेट्रीमिया लो सीरम ऑस्मोलैरिटी और हाई यूरिन ऑस्मोलैरिटी और हाई यूरिन सोडियम तो सीरम सोडियम लो है सीरम ऑस्मोलैरिटी लो है यूरिन ऑस्मोलैरिटी हाई है यूरिन सोडियम हाई है तो SIADH क्यों नहीं है मगर यहाँ पे क्लियरली पेशेंट इज आउटपुट जो है उसकी इनटेक से ज्यादा है अगर ADH होती तो यूरिन आउटपुट ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी और दूसरा ये भी क्रिएटिन ज्यादा है BUN थोड़ी सी ज्यादा है तो प्रीनियल लेवल टीपीएम मालूम हो रहा है तो जैसे आप लोगों ने कहा है कि इस मेजर डिफरेंस बिटवीन SIADH और सर्वल सॉल्ट वेस्टिंग इज द वॉल्यूम स्टेटस SIADH में पेशेंट विद मी नॉर्मोवोलेमिक और साल्ट वेस्टिंग में पेशेंट विल बी वॉल्यूम डिप्ली ये डिफरेंस जो है SIADH और सेरेब्रल साल्ट वेस्टिंग में ये सेरेब्रल साल्ट वेस्टिंग है प्लाज्मा वॉल्यूम इज डिक्रीज SIADH में नॉर्मल टू स्लाइटली इंक्रीज होगा वाटर बैलेंस सर्वल साल्ट वेस्ट में नेगेटिव होगा जैसे इस पेशेंट में इसकी इंटेक रिलेटिवली कम थी आउटपुट ज्यादा थी ऐसा ही उलट होगा
नॉर्मल होगा या इंक्रीज होगा। सीरम ऑस्मोलैरिटी दोनों में लो होगी। साइंसेस ऑफ डिहाइड्रेशन साइमन सॉल्वेंट से भी होंगे, ऐसा ही एडीएच में नहीं। वेटोक्रेट नॉर्मल और इंक्रीज, यहाँ पे अनचेंज होगी या थोड़ी सी डिक्रीज होगी। B1 टू क्रिएटिन रेशियो इंक्रीज होगा, यहाँ पे लो होगा। यूरिन सोडियम यहाँ पे ज्यादा हाई होगा, यहाँ भी हाई होगा। यूरिन वॉल्यूम यहाँ ज्यादा होगा और यहाँ भी, यहाँ लो होगा। यूरिक एसिड यहाँ भी डिक्रीज होगा, यहाँ भी डिक्रीज होगा। और फ्रैक्शन शीशम से जरूरत नहीं है, मगर मेनली ये वाला जो है प्लाज्मा वॉल्यूम की बात होगी और हीमो कंसंट्रेशन की बात होगी। A 72-year-old man is seen during a routine visit for hypertension, type 2 diabetes mellitus and stage 1 CKD. He complains of nocturia but is otherwise asymptomatic. Medications include insulin and enalapril. On physical examination, the BP is 140 by 85 mm of mercury. There is no edema. Laboratory studies show serum sodium of 143 mg per liter, potassium 5.8 mg per liter, chloride 114 mg per liter. Bicarb is 19 mmol per liter and B1 of 20. Creatinine 1.2 mg per deciliter and glucose 165 mg per deciliter. Plasma renal activity is measured in upright position is 8 nanogram per ml per hour. Reference range is 0.6 to 3 nanogram per ml per hour. And serum aldosterone level in supine position is 4 nanogram per deciliter. Reference range is 2 to 5 nanogram per deciliter. The urine chemistries are sodium 75 mg per liter, chloride 55 mg per liter and potassium 26 mg per liter. The urine analysis showed pH of 5, negative glucose, protein and blood. Which of the following is most likely cause of this patient's hyperkalemia? Pseudo-hyperkalemia, enalapril, urinary tract obstruction, diabetic kidney disease and proximal renal tubular acidosis. डायबिटिक तो इसलिए निकले तो उसमें हाइपोएनेमिक हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म और जो रिनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है वो तो हाइपोकेमिया है सर। हाइपोकेमिया या टाइप 4 दो भी निकल, वो भी निकल गया, वो भी निकल गया। टेस्ट निप्टर दे रहे हैं तो उस वजह से सर वो लेवल्स भी तो उसके रेनिन के लेवल्स बढ़ गए हैं। हां जी, और एल्डोस्टेरोन के लेवल्स कम गए हैं। सर एनालाप्रिल सर ऑप्शन क्यों सर? बाकी सर सर लास्ट 3 ऑप्शंस तो रूल आउट हो जाते हैं। पेशेंट एनालाप्रिल ले रहा है उसकी वजह से सर एस इनहिबिटर ब्लॉक है तो रेनिन एक्टिविटी पेशेंट की ज्यादा है लेकिन एल्डोस्टेरोन नॉर्मल ही है इसलिए सर एनालाप्रिल। और प्रॉक्सिमल कब का? प्रॉक्सिमल में सर प्रॉक्सिमल आरटीए में सर हाइपोकलेमिया होना चाहिए, डायबिटिक किडनी डिजीज में सर साथ प्रोटीनूरिया होना चाहिए पेशेंट को। लेकिन उसमें हाइपोरेनेमिक है उसमें रेनिन कम होगा जी, रेनिन भी कम होगा और यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन की सर कोई सिम्टम नहीं है हमारे पास, एविडेंस नहीं है सर। एंड सुडो हाइपोकलेमिया लेबल करने के लिए सर पहले बाकी एविडेंस को हमें देखना चाहिए। वही आपको दी गई इंफॉर्मेशन और दी अबाउट जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है उसमें कोई एविडेंस नहीं है प्रोवाइडर की यूरिन ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन की और प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूबुलस प्रोसेसिस ये नहीं है कि उसमें हाइपोकलेमिया होना चाहिए था बिल्कुल ठीक है और हाइपरक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस है मगर हाइपोकलेमिया नहीं है ठीक है। और डायबिटिक किडनी डिजीज में किडनी डिजीज है तो सही 1.2 ऑफ क्रिएटिन मगर इस लेवल पे आमतौर पर हाइपरक्लोरेमिया नहीं होता। अब आप डायलेप्रिल दे रहे हो, डायलेप्रिल का इफेक्ट क्या होता है? एंजियोटेंसिन एंजाइम को इनहिबिट
ये एंजियोटेंसिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 1 ड्यू टू द एक्शन ऑफ ब्रीदिंग और एंजियोटेंसिन 1 इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 2 ड्यू टू द एंजियोटेंसिन एंजाइम कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर ये एंजियोटेंसिन एंजाइम कन्वर्टिंग एंजाइम जो है वो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करेंगे और ये एंजियोटेंसिन 2 जो है एंडोस्टॉम की सेक्रेशन को बढ़ाएगी। अब आपने एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ब्लॉकर दे दिए यहाँ पे तो एंजियोटेंसिन 1 की कन्वर्शन टू एंजियोटेंसिन 2 और एंजियोटेंसिन 2 का इफेक्ट ऑन एडिनल्स जिसकी वजह से एंडोस्टॉम की प्रोडक्शन कम हो जाएगी ठीक है और एंजियोटेंसिन 2 की लेवल कम होने की वजह से फीडबैक जाएगा यहाँ पे एडिनल की सेक्रेशन जो है बढ़ जाएगी ठीक है यहाँ पे आपकी ब्लॉकेज हो गई एंजियोटेंसिन 2 कम हो गई और एज ए फीडबैक ये एडिनल की सेक्रेशन को बढ़ा देगी और जो एंजियोटेंसिन 2 के कम है इसलिए एंडोस्टॉम की सेक्रेशन भी नहीं हो रही। तो आपका क्वेश्चन तो जवाब दुरुस्त था कि एंजियोटेंसिन सीरम क्लोराइड 105 मिलीग्राम पर लीटर है एंड सीरम बाइकार्बोनेट 30 मिलीग्राम पर लीटर है। यूरिनालिसिस पीएच इज 5 स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 1.020 डिस्टिक नेगेटिव फॉर प्रोटीन एंड ब्लड 824 आवर यूरिनरी यूरिनरी क्रिएटिनिन इज 1200 मिलीग्राम सोडियम 100 मिली इक्विवेलेंट पोटेशियम 82 मिली इक्विवेलेंट एंड कैल्शियम 200 मिलीग्राम। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ दिस पेशेंट्स हाइपोकलेमिया distal renal tubular acidosis, primary hyperaldosteronism, Gatelman syndrome, and diarrhea. क्या होगी सर हाई होगी अल्कलाइन होगा
अल्कलाइन यूरिन होगा क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड ही नहीं होगा, अल्कलाइन यूरिन होगा बगैर एसिडोसिस है? नहीं सर एसिडोसिस ही नहीं, बाइकार्बोनेट 30 है पेशेंट का तो एसिडोसिस ही नहीं है। जी सर ठीक है ना, बाइकार्बोनेट 30 है तो एसिडोसिस तो ना हुआ ना, अल्कलोसिस हुआ तो ये वाला पहला तो रूल आउट हो गया। जिटरबग सिंड्रोम में सर जिटरबग सिंड्रोम से हाइपोटेंशन होनी चाहिए और हाइपरटेंशन नहीं होनी चाहिए, हाइपरटेंशन नहीं होनी चाहिए, डायरिया में नहीं होनी चाहिए। जी सर डायरिया में सर हाइपरग्लाइसेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है सर, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होनी चाहिए थी और यूरिन सोडियम जो है लो होना चाहिए, यहाँ पे बहुत हाई है। अब प्राइमरी हाइपर एंडोस्टेरोनिज्म कह रहे हो, एंडोस्टेरोन का इफेक्ट क्या होता है प्लैंकटन ग्रोथ में, क्या करती है? सोडियम एंड वाटर रिटेंशन एंड पोटेशियम एक्सक्रीशन, पोटेशियम एक्सक्रीट होता है और सोडियम की अब्जॉर्प्शन होती है, ऐसे ही है? जी सर। तो इसमें यूरिन सोडियम क्यों हाई है? यूरिन सोडियम 100 मिली क्लोराइड है, कैल्शियम 82 है, अगर हाइपर एंडोस्टेरोनिज्म है तो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होगी और पोटेशियम की एक्सक्रीशन होगी, या सोडियम की भी एक्सक्रीशन हो रही है सर, में नहीं आ रहा वो कैसे एस्केप सिंड्रोम तो है सर, वो कैसे होता है ये नहीं आ रहा था, लेकिन वो याद नहीं है कि किस तरह से सर्वो करता है। डिस्कस कर ले आपस में, मैं यहाँ एक चाय दे दूँ, ये जो है ना ना पीवा सर, जब वाटर रिटेंशन होगी तो सर रेनल परफ्यूजन बढ़ने की वजह से प्रॉक्सिमल सोडियम रिएब्जॉर्प्शन सर वो कम हो जाएगी वॉल्यूम एक्सपेंशन की वजह से, इसकी वजह से सर सोडियम डिलीवरी ज्यादा होगी डिस्टल नेफ्रॉन में और एक्सक्रीशन और उसके एब्जॉर्प्शन भी सर कैपेसिटी से बढ़ जाएगा तो वो सर एक्सक्रीट होना शुरू हो जाएगा। ये अभी ना ना तो नहीं
एल्डोस्ट्रॉन के ज्यादा होने की वजह से आपकी सोडियम रीअब्सॉर्प्शन यहाँ पे बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वॉल्यूम एक्सपेंशन होगी। उस वॉल्यूम एक्सपेंशन की वजह से सोडियम रीअब्सॉर्प्शन यहाँ पे प्रॉक्सिमल ट्यूबुल में ये कम हो जाएगी, तो डिस्टेंट सोडियम की डिलीवरी ज्यादा हो जाएगी। उस वजह से यहाँ सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन ज्यादा हो रही है, मगर चूंकि डिलीवर बहुत ज्यादा हो रहा है इसलिए उसकी एक्सट्रीशन भी बढ़ जाएगी। इस फिनोमेना इज कॉल्ड एज एस्केप फिनोमेना। एस्केप फिनोमेना का मतलब क्या हुआ कि ये सोडियम जो है एस्केप्स बाय फ्रॉम द एक्शन ऑफ एल्डोस्ट्रॉन। ये एक्सपेरिमेंट किया गया था कि डिऑक्सी कोर्टिकोस्टेरॉन डोका एसिटेट जो है, डोका जो है अगर आप डेली किसी पेशेंट को या एनिमल को देना शुरू करो तो डे वन डे टू डे थ्री डे फोर डे फाइव तक वो सोडियम यूरिन में सोडियम कम हो जाएगा। पहले दिन सबसे ज्यादा सोडियम रिटेन होगा, अगले दिन थोड़ा सा कम, उसके बाद अगले दिन कम, और बाई फिफ्थ डे सोडियम एक्सक्रीशन विल बी इक्वल टू सोडियम इनटेक। तो वो फिर ये फिनोमेना वहां पे डिस्कवर किया गया था कि ये एस्केप फिनोमेना हो रहा है, एस्केप हो रहा है सोडियम जो है। ठीक है, अगर एल्डोस्ट्रॉन ज्यादा है जी सर, सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन होती जाए जी सर, तो फिर क्या होगा, पेशेंट तो कट जाएगा पार्टनर टेंशन वाले से, इसलिए ये वाला एस्केप हो जाता है ताकि एक नया एक नए बैलेंस पे नए इक्विलिब्रियम पे, तो इसमें इस लेवल में जितनी सोडियम गेट होगी उतना एक्सीट हो जाएगा। Was unremarkable. His serum sodium concentration was 117 milliequivalent per liter, BUN 6 milligram per deciliter, and creatinine 0.7 milligram per deciliter, and glucose was 96 milligram per deciliter. Urine osmolarity was 132 millimol per kg, and plasma osmolarity was 250 millimol per kg. The most likely diagnosis is A. SIADH, nephrogenic syndrome of inappropriate antidiuresis. Pseudo hyponatremia and low solute intake. Plasma osmolarity low है तो pseudo hyponatremia भी नहीं है, पीछे रह गया low solute intake और nephrogenic syndrome of inappropriate antidiuresis. अगर एंटी डायुरेसिस हो रही है तो उसमें यूरिन ऑक्सीडेशन थोड़ी मिलेगी।
इसको एक्सप्लेन भी करो ना कि वो लॉ सल्यूटेड टेक और ये एनएसआईएडी सर इसमें भी उसमें भी यही बात होगी एंटीना यूरिसिस हो रही है कि वाटर की एब्जॉर्प्शन बढ़ रही है तो यूरिन विल बी मोर कंसंट्रेटेड जी सर सुडो हाइपरनेमिया क्यों नहीं सर प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी लो 250 है ऑलरेडी नहीं सर कोई ऐसा डाटा नहीं है आपके पास का जी सर कि भी जो इंडिकेट करे कि भाई सुडो हाइपरनेमिया हो सकता है हाइपरनेमिया हो सकता है दो चीजें होनी चाहिए थी या तो हाई प्लेटलेट काउंट होना चाहिए थी या ल्यूकोसाइटोसिस होनी चाहिए थी और किसी भी सुडो हाइपरनेमिया होता नहीं वो वैल्यू आपको दे दी गई इसलिए अनलाइकली लो सॉल्यूट इनटेक लो सॉल्यूट इनटेक में क्या हो रहा है आपकी कि यूरिन एसिडिटी लो है ठीक है और इस वजह से क्या हो रहा है की वजह से हाइपोट्रोटीमिया क्यों हो गया सर क्योंकि यूरिन से डाइल्यूट डिलीवर होगा तो वहां पे सर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में अगेंस्ट द ग्रेडिएंट वाटर की रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी वाटर एक्सेस होने की वजह से हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है तो फिर यूरिन की ऑस्मोलैरिटी कम ही होनी चाहिए दो सॉल्यूट इनटेक में यहां पे यूरिन ऑस्मोलैरिटी इज वेरी लो ठीक है बिडलडी ऑस्मोलैरिटी है ज्यादा है जिसकी वजह से ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी ठीक है उसकी वजह से हाइपरोट्रोपिया हो जाएगा अब आपके पास सिचुएशन ऐसी आ जाती है ठीक है सर्जरी का केस है उसको 5% डेक्सट्रोज की ड्रिप लगाई हुई है तो क्या होगा पेशेंट को हाइपोट्रोटीमिया डेवलप हो जाएगा क्योंकि 5% डेक्सोज में डेक्सोज तो मेटाबोलाइज हो गया जी सर सिर्फ वाटर एक्सक्रीट होगा और ऐसी सिचुएशन में अब आपको क्या करना होगा हाइपोट्रोटीमिया को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑस्मोटिक लोड बढ़ाना होगा यूरिन में यूरिन में आप ऑस्मोटिक लोड बढ़ाओगे तो फ्री वाटर की ऑक्सीजन जो है बढ़ जाएगी तो ये वाली चीज है कई दफा ऐसा केस आता है मोस्टली सर्जिकल पेशेंट्स पोस्टऑपरेटिवली पोस्टऑपरेटिवली हाइपोट्रोपिया डेवलप होने का चांस बहुत ज्यादा होता है क्यों सर इनटेक कम होता है सॉल्यूट इनटेक कम होती है और फ्लूइड्स आईवी में मोस्ट ना 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 नहीं सही जवाब नहीं है ADH स्टिमुलेशन ज़्यादा होती है तो ADH की सेक्रेशन होती है पोस्ट अब्डोमिनल सर्जरी तो उसमें वाटर वुड बी रिटेन हाइपोट्रोटीमिया डेवलप हो जाएगा और क्या होता है ऐसी सिचुएशन में इस हाइपोट्रोटीमिया को आपने करेक्ट किया तो पेशेंट को हाइपरनेट्रीमिया डेवलप हो गया वो क्यों या तो स्लीप एब्सोल्यूट दे रहे हैं सर एडीएच
स्टिमुलस खत्म होगी सर जब हम हाई सोल्यूट डाइट देंगे एक जो है ATH की सेक्रीशन जो पोस्ट सर्जरी होती है वो खत्म हो जाती है सेल्फ लिमिटिंग होती है जी सर दो चार घंटे में वो ATH का इफेक्ट खत्म हो गया आपने बाहर से सोडियम दे के सोडियम क्रैक कर दिया इसी देर में ATH लिमिट हो गई वाटर डाइल्यूशन स्टार्ट हो गई और उसको फिर हार्ट पर्पल टीबिया डेवलप हो गई ठीक है तो अब डॉक्टर बतीन ने मुझे बताया था कि आप टॉपिक्स जानते हो डिस्कस कर देगा जी सर तो नेक्स्ट वीक से विल स्टार्ट विद इलेक्ट्रोलाइट्स ठीक है ये काफी आज काफी केसेस जो हाइपोटीबिया के किए तो स्टार्ट विद हाइपोटीबिया ताज़ा याद होगा आपको जी सर ठीक है जी सर और सर नेक्स्ट उससे अगले नेक्स्ट लेक्चर में फिर एमसीक्यूज का टेस्ट भी होगा सर नेक्स्ट लेक्चर से पहले जो आपने पढ़ाया होगा क्या हुआ एमसीक्यू सर नेक्स्ट लेक्चर में फिर एमसीक्यूज भी आप जो है ना वो टेस्ट के लिए फ्रेम का ना एक छोटा वो टेस्ट भी ले लेंगे ठीक है ठीक है सर ओके सर थैंक यू अल्लाह हाफिज़ आज तो आपके हमसे सारे ठीक